हेलो नमस्कार दोस्तों, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। बीएचपी प्रमुख प्रवीण तोगड़िया होश में आ गए हैं। तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने एनकाउंटर होने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। तोगड़िया मीडिया से बात करते वक्त सुबक सुबक कर रोने लगे। बता दें कि तोगड़िया सोमवार सुबह 10 बजे से लापता थे। वह बेहोशी की हालत में देर शाम एक पार्क में मिले थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रवीण तोगड़िया ने कहा, कुछ समय से मेरी आवाज दबाने का हर संभव प्रयास होता रहा है। मैं हिंदू एकता के लिए प्रयास करता रहा हूं। कई सालों से मैं राम मंदिर, गोहत्या, कश्मीरी हिंदुओं को बसाना, किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा मुनाफा देना जैसे मुद्दों को उठा रहा हूं। इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। प्रवीण तोगड़िया ने बताया, मैं परसों मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भैया जी जोशी के साथ काम करके लौटा था। मैं कल सुबह पूजा पाठ कर रहा था, तभी तारांकन एक आदमी अचानक मेरे घर में घुस गया था। उसने मुझे बताया कि मेरा एनकाउंटर होने वाला है। इसके बाद मैं कल पुलिस को छोड़कर ऑटो में बैठकर निकला। लोकेशन पता ना चले इसलिए मैंने फोन ऑफ कर दिया था। आईबी के जरिए मुझे डराया जा रहा है। बता दे कि आईबी केंद्रीय खुफिया एजेंसी है। तोगड़िया ने बताया कि राजस्थान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी। उन्होंने कहा, मेरी गुजरात या राजस्थान पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, बस वो सर्च वारंट लेकर आए। मेरे घर में कुछ अनैतिक नहीं है। तोगड़िया ने आगे कहा, गुजरात पुलिस मेरे कमरे की तलाशी लेने क्यों आई? मीडिया के साथ ही मैं कमरे में जाऊंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन